में कहीं सुनी, और महामंत्री प्रहलाद भाई बने, और हम लोगों ने साथ साथ पूरे प्रदेश को नापा। और मुझे कहते हुए गर्व है कि 1990 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसको बनाने में शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन, उसके साथ साथ युवा मोर्चे का जबरदस्त योगदान था जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तब से लेके अब तक कई काम साथ साथ किए, और आज मुझे परम संतोष है कि प्रहलाद पटेल जी अब नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं प्रसन्न भी हूं, गर्व भी महसूस करता हूं, और मेरे मन में संतोष भी। और आज उनका फॉर्म भरा जाएगा, इस अवसर पर मैं आया हूं। मेरे मित्रों, भगवान हर किसी को विशेष काम के लिए भेजता है। मैं अंतरात्मा से कहता हम लोग भी किसी न किसी निमित्त इस धरती पर भेजे गए हैं, आए हैं, और जो राजनीतिक क्षेत्र में जो दायित्व मिला, मेहनत और ईमानदारी से हमने पूरी करने की कोशिश की। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई भूमिका में प्रहलाद पटेल जी एक नया इतिहास रचेंगे। वैसे ही मेरे साथी चाहे उदय जी हो या मुलायम भैया हो या महेंद्र जी हो, एक सुगठित टीम है हमारी। आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, लंबी बात नहीं करूंगा, दोनों चीजों की। मुन्ना यहां बैठे हैं, जालम सिंह जी यहां के विधायक, ऐसा भाई भी नसीब से मिलता है आसानी से। इन्हें खुद कहा कि नहीं इसी सीट से लड़ेंगे, और नरसिंहपुर गवाह है, जिला गवाह है। आज दिल पे हाथ रख के बताना, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, आप बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, आज जोर से बताओ किए थे क्या? आज केवल सिंचाई की योजनाएं देख लो आप, एशिया की सबसे उर्वरा भूमि, उर्वर भूमि है ये, कांग्रेस ने कभी पानी तक नहीं दिया। अकेले 5,839 करोड़ रुपए की चिंकी बैराज परियोजना अगर दी है तो हमने दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब बैराज और बांध में अंतर समझिए, बांध में जमीन डूबती है, बैराज में जमीन नहीं डूबती, पानी हम खींचते हैं पाइपलाइनों के जरिए। खेतों में पाइपलाइन बिछाएंगे और 2.5 हेक्टर तक के चक में एक आउटलेट देंगे, जहां किसान अपना सिस्टम लगा के पानी ले जाएगा, नहर भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल चिंकी बैराज नहीं, दूधी बांध, शक्कर नदी पे बांध, मछलेबा बांध, अकेले 20,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं अगर दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, हमने दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिन पानी सब सून, सवा साल में फिर कमलनाथ आए थे, सवा साल में कोई एक ईंट भी लगी हो तो बता दो मेरे बहन और भाइयों, एक ईंट भी लगी हो तो बता दो। अगर विकास की बात करें, नरसिंहपुर से गोटे गांव समय अब लगभग शायद मुन्ना बनने की लगभग पूरी होने की स्थिति में आई हो, 100 करोड़ रुपए की, 165 करोड़ की मेहरबानी, चकदेही से सैदपुर तेंदुखेड़ा ओवरब्रिज का सवाल वाला का लगे 105 करोड़ के, अकेले नरसिंहपुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से सीएम राइज स्कूल बन रहा है। ये सीएम राइज स्कूल क्या है? गरीब और किसान बेटा बेटियों के लिए उत्तम शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का माध्यम है सीएम राइज स्कूल। हमारे मन में, मेरे मन में ये विचार है कि गरीब के बेटा बेटी अच्छे स्कूल में क्यों ना पढ़े, अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम ऐसा स्कूल बना रहे हैं जिसमें लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास ऐसी कि दिल्ली बंबई में बैठ के भी शिक्षक पढ़ाएंगे तो बच्चों को लगेगा कि हमें सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। बसें लेने जाएंगी, ये केवल नरसिंहपुर के लिए नहीं है, करेली के लिए नहीं है, ये आसपास के सब गांव के लिए है। बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी,
और उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाएगी। एक नहीं ऐसे कई काम अगर मैं विकास के गिनाऊं तो हजारों है। करेली में भी सीएम राइज स्कूल, मैंने केवल एक नक्शा आपको दिखाया है कि विकास के लिए अगर चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश की धरती को विकास अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, हमने दिया है, कोई कसर नहीं। और लोगों की जिंदगी बदलने का काम एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, आज विस्तार से बताने का समय नहीं है। लेकिन एक अद्भुत नेतृत्व हमको मिला है, एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। चंद्रमा पे चंद्रयान उतर रहा है, G20 की बैठक हो रही है, स्वदेशी वैक्सीन बन रही है, एक भी अन्य को उपलब्ध। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का महायज्ञ है ये लाडली बहना योजना, कोई साधारण योजना नहीं है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, कब किसने सोचा माताओं बहनों और बेटियों का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और ये तय कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी बोझ नहीं होगी, बेटी को वरदान बना के चैन की सांस लेंगे, बेटी को बोझ नहीं रहने दिया। 50% रिजर्वेशन अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में बहन और बेटी को दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, हमने दिया, ताकि राजनीतिक सशक्तिकरण उनका हो सके। बेटियों की शादी का अभियान, और केवल बेटियों की शादी नहीं, मुझे ये कहते हुए भी गर्व है, पुलिस में 30% बेटियों की भर्ती अगर शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, और वर्षों तक चर्चा होती रही 33% आरक्षण की लोकसभा और विधानसभा में, अगर वो चमत्कार हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा में बहनों को आरक्षण मिला। और लाडली बहना, ये तो जिंदगी बदलने का अभियान है। मेरी बहनों, मैं देखता था कि हमारी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्ग की बहनें हजार हजार रुपए के लिए कई बार छोटी मोटी जरूरत पूरी करने के लिए परेशान हो जाती थी, और तब मन में यह भाव आता था कि काश इनका अपना अकाउंट होता, इनके अकाउंट में इनके पैसे होते जिनको अपना कहती तो शायद छोटी मोटी चीजों के लिए मेरी बहनों को हाथ नहीं फैलाना पड़ता, हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और इससे मन में आया एक ऐसी योजना जो बहनों को सशक्त करे, और वो बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। आज मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, लाडली बहना योजना ने जिंदगी बदली कि नहीं बदली? जरा बहन बोले, बदली कि नहीं बदली? ये योजना नहीं है, सशक्तिकरण है। क्यों बहनों के आंसू, आंखों में क्या केवल आंसू आएंगे? बहनों के हिस्से में क्या दुख और तकलीफ आएगी? मैंने पूछा कई जगह कि लाडली बहना योजना से क्या फर्क पड़ा है, तो कई बहन बोली, मामा आजकल तो सास भी बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ो बोले बहू की। और कई बहनों ने मुझे कहा, मैं ये सच कह रहा हूं कि आजकल तो पतिदेव भी बहुत ढंग से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी पैसा आ गए कि नहीं आ गए, छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर दी। कई बहनों ने काम धंधे चालू कर दिए, कोई ने सिलाई मशीन खरीदी, बोले मैंने सिलाई मशीन ले ली, अब मैं सिलाई कर रही हूं, किसी ने छोटी मोटी दुकान खोली, एक नहीं कई काम प्रारंभ हुए हैं। और आज मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, 1000 रुपया से शुरू किया था हमने, बहने भी 1,32,00,000 है हमारी, कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं, 1,32,00,000 मैंने, और अभी भी कई कह रहे हैं कि भैया हम तो रह ही गए, भैया हम तो रह ही गए, हम कह रहे क्यों गए, बोले हमने सोची कि पैसे ही पैसे, कह रहे हैं पैसा थोड़ी मिलेगा तो फार्म ही नहीं भरे। तो ये जो बहने अगर कोई रह गई हो तो वो भी चिंता ना करें, फिर एक बार पोर्टल खोल के जो वास्तव में पात्र है उनके नाम भी जोड़ेंगे। मेरी बहनों, और केवल 1,000 से 1,250 हुए, कांग्रेस के लोग परेशान है, आजकल चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं, करें शिवराज सिंह कहता है मैं चुपके से पैसे डाल दूंगा, अरे चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, कोई चोरी छुपे थोड़ी डालूंगा, डंके की चोट डाल रहा। हां 10 तारीख फिर आ रही है, फिर आ रही है,
अब 10 तारीख को जरूर मैं कार्यक्रम करके नहीं डाल पाऊंगा तो वो पैसा भी चुपके से आ जाएंगे, चिंता मत कर। और केवल 1250 नहीं रहेंगे, ये सोच समझ के जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आजादी से ज्यादा तो मुझे बहन ही दिखाई दे रही है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, 1250 से बढ़ा के करेंगे 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750, और फिर कितने करेंगे? बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है मेरी बहनों। आधी आबादी को पूरा न्याय, और केवल पैसा नहीं दिया, ये कड़वी सच्चाई है कि पैसा मान भी बढ़ाता है और आत्मसम्मान भी बढ़ाता है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। इसलिए बहनों पैसा नहीं, ये आपका सम्मान दिया है आपको, आपका सम्मान, आपका हक, आपका अधिकार। एक नहीं कितनी योजना अभी हमने तय किया है, और यह संदेश भी आप गांव गांव पहुंचाए, पीएम आवास योजना में कई के नाम रह गए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं हम सरकार नहीं चलाते हैं, हम परिवार चलाते हैं, परिवार, आप सब परिवार हैं, अपने परिवार, ये हमारा परिवार है, और इसकी सेवा करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। और इसलिए एक एक चीज ऐसी जो जनता की जिंदगी बदलने के लिए जरूरी है, हमने करने की कोशिश की है। कई बहनें कहती थी हमारी कि टूटी टपरिया है, प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं जुड़ा है, अब उसमें तो देर लगेगी, तो एक नई योजना बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, और उसका भी सर्वे चल रहा है। अब राज्य सरकार भी आवास योजना चला के प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के साथ जो रह गए उनको अपनी आवास योजना के अंतर्गत मकान देगी, टूटी झोपड़िया में नहीं रहने देंगे, धीरे धीरे सबके पक्के मकान। रसोई गैस का सिलेंडर मध्य प्रदेश की धरती पर रसोई गैस योजना की बहनों को, लाडली बहनों को केवल 450 रुपया में दिया जाएगा। और एक बात सुन लें,